नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह का कर्नाटक दौरा है, दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का वो जायजा लेंगे और देवभल्ली में रोड शो करेंगे अमित शाह। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जा रहे हैं अमित शाह। आपको बता दें कि बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह, कि बीजेपी कैसे चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है वहां पर। और इसके अलावा देवभल्ली में रोड शो का भी कार्यक्रम है, अमित शाह का रोड शो भी यहाँ पर करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो देवभल्ली में रोड शो करेंगे अमित शाह और उस दौरान एक बार फिर से बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी रोड शो के जरिए। तो दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह जा रहे हैं कर्नाटक। और बता दें आपको कि यहां पर बीजेपी की चुनावी तैयारियां कैसी है, कैसे वहां सारे कार्यकर्ता तैयार हैं, बूथ लेवल पर क्या तैयारी है और साथ ही साथ चुनाव में कैसे रणनीति आगे के लिए अब बनेगी, इन तमाम बातों पर अमित शाह का फोकस रहेगा कर्नाटक दौरे के दौरान। तो दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे अमित शाह और यहां पर देवभल्ली में रोड शो का भी कार्यक्रम है। और कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं और वो दोपहर 1 बजे कटक में मतदाताओं से बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर मतदाताओं से चर्चा करेंगे। और शाम 6 बजे कटक में रोड शो में वो शामिल होंगे। बीदर टाउन से अंबेडकर चौक तक का ये रोड शो है। तो एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे कटक में मतदाताओं से बातचीत करने का जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। चुनाव को लेकर मतदाताओं से चर्चा भी वो करेंगे कि आखिर मतदाता जो है वो कैसे बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं और क्यों मतदाता उन्हें वोट करें, ये तमाम बातें समझाने की कोशिश जेपी नड्डा की रहेगी। साथ ही साथ अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिराने की कोशिश जेपी नड्डा की रहेगी। और ऐसे में जब चुनाव को लेकर वो मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे तो देखना होगा कि कौन से लोग लुभावनी बातें करते हुए वो नजर आते हैं, क्योंकि ये जनता है और जनता को अपने फेवर में करना, जनता का मूड बदलना और जनता को ये आश्वस्त करना कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही वो पार्टी है जिस पर भरोसा करते हैं, ये सबसे कठिन काम होता है चुनाव के दौरान। लेकिन इसका जिम्मा आपको बताने कि बीजेपी ने अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं पर सौंप रखा है और ये जिम्मेदारी इनकी बनती है। लिहाजा लगातार एक के बाद एक कर्नाटक के दौरे जो है वो दिग्गज नेताओं के हो रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अमित शाह पहुंचेंगे और वहीं आज आपको बताने की जेपी नड्डा भी चुनाव को लेकर मतदाताओं से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और एक और अहम खबर, एनसीपी का संभागीय कार्यकर्ता शिविर है आज और घाटकोपर में शिविर का आयोजन होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शिविर में शामिल होंगे। जयंत पाटिल जो है वो शिविर का उद्घाटन करेंगे। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। कार्यकर्ता लिस्ट में अजीत पवार का नाम नहीं है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, एनसीपी का कार्यकर्ता शिविर है आज और घाटकोपर में शिविर का आयोजन होगा। 2000 से अधिक प्रमुख पदाधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो एनसीपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और एनसीपी का कार्यकर्ता शिविर है। आपको बता दें कि घाटकोपर में शिविर का आयोजन जो है वो किया जाएगा और 2000 से अधिक प्रमुख जो है वो पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुंबई मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है कि सभी लोग मौजूद रहें। संगठन के पुनर्गठन और बीएमसी के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी आज की चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, महापुरुषों के अपमान पर भी चर्चा आज की जाएगी इस शिविर के माध्यम से। तो एनसीपी का कार्यकर्ता शिविर है आज। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और पुंछ जिले में हुई त्रासदी से मैं दुखी हूं, उन्होंने ये कहा ट्वीट करके। और देखिए रहा उनका वो ट्वीट, पुंछ जिले में हुई त्रासदी से दुखी हूं, राजनाथ सिंह का ये ट्वीट सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना ने अपने बहादुर जवानों को खो दिया है। आगे वो लिखते हैं कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने लिखा कि पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले पर सबको अफसोस है। तो रक्षा मंत्री का ये ट्वीट और उसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार जो है वो अत्यंत दुखद है। उन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो आतंकी हमले पर राहुल गांधी का ये ट्वीट, हमारे 5 जवानों की शहादत पर जो समाचार मिला है वो अत्यंत दुखद है।
इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, सेना के वाहन पर हुआ कायराना आतंकी हमला बेहद निंदनीय है। आगे वो लिखती है कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि, देश सदैव शहीदों और उनके परिवारों के प्रति ऋणी रहेगा। और देखिए इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें वहां की हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद तमाम टीमें जो है वो एक्टिव हो गई हैं और उसके बाद जगह जगह सघन तलाशी अभियान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने स्वर्गीय पिता बाला साहेब ठाकरे के स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे और वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अडानी और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैं अपनी बात कहूंगा। वहीं स्मारक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्मारक करीब करीब पूरा होने को है, कोशिश है कि जल्द से जल्द स्मारक बनकर तैयार हो जाए। और वहीं उद्धव ने अपने पिता के अयोध्या दौरे से जुड़ी तस्वीरें और दस्तावेजों को लोगों से ठाकरे परिवार को देने की अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।